to another flow. What you want? These are one of the best memories of my life, but life is not the same every time. Welcome back to the channel, everyone. After almost 3 months, Happy New Year, everyone. 2023 आपको बहुत अच्छा मंगल में जाए. अच्छे काम करो, अच्छे achievements करो. बाकी अभी की मैं present state बात करूँ, the life was very rough these days. Many of you know, but many of you don't know that I have no words how to just share something with you guys. Last month, that was November, I lost my father, and yes. He is my creator. He is my business creator. He is my everything. Because everything that I've achieved in my life, जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है वो मैंने एक ज़रिए से किया है एंड उन्होंने वो ज़रिया मुझे दिया है. यानी एक बाइक जिसको आप मेरे चैनल पर देखते हो, एक कार जिसको आपने मेरे चैनल पर देखा था, मतलब वो अभी भी है मेरे पास. आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव बिल्ट इट हार्ड, आई हैव बिल्ट द बाइक हार्ड बिकॉज दैट्स माई पैशन. आई हैव स्टार्टेड माई स्टोर. So, motostoreindia.com, you must have listened to it many times. तो ये हुआ था कुछ past दिनों के अंदर, due to which I was partially inactive. बाकी I had to take care of my business and everything, so that's why I was not able to post any kind of videos. But now, with full blessings, with my family, with you, my friends and everyone, I'm back on track. Many things are difficult to just share on the public platform, but I don't know. बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ रहो. आप में से जितने मेरी वीडियो के एज ग्रुप हैं, 18 से लेकर 34 तक के हैं, जो 30 प्लस हैं, उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा, अपनी फैमिली के साथ रहो, उन पे टाइम इन्वेस्ट करो, हर समय काम में बिजी मत रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो. हैव टू टेक लाइफ सीरियसली. इस शॉर्ट के अंदर बहुत सारे कट्स होंगे, मैं अपनी फीलिंग्स भी नहीं बयां कर पाऊँगा, बट ये समझना कि अपनी फैमिली को टाइम दो. अगर आप मेरी एज की हो, अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, तो उसको ग्रांटेड मत लो. रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट द फैसिलिटीज़ दे आर गिविंग टू यू. आग लगा देंगे, हर संडे एक वीडियो आएगी जो फाड़ होगी, बाकी उसको पहुंचाने का काम आप सबका. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिगेस्ट टूरिंग मॉडिफिकेशन वीडियो ऑन यूट्यूब. आफ्टर ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मैंने दिन में कैमरा लगाया हेलमेट के ऊपर, ग्लव्स नहीं पहने. आई एम सो सॉरी, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू राइड विद ग्लव्स और नॉट. पर आज मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो, एक डेडिकेटेड सागा बनाना चाहता हूँ अबाउट दिस रॉयल इनफील्ड, दैट हाउ आई हैव बिल्ड इट, हाउ आई एम एन्जॉइंग इट एंड हाउ एवरीथिंग इज गेटिंग वर्कड आउट स्टेप बाई स्टेप. इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करी है, जहाँ पर एक एक एक्सेसरी का नाम, उसका प्राइस, हर चीज़ यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशंस को लेकर कि मेरे कॉस्टिंग कितनी आई है हर चीज़. अगर आपको फाइनल कॉस्ट जाननी है मॉडिफिकेशन की, तो ये मिलेगी आपको एकदम वीडियो के एंड में, तो बिल्कुल भी देखना ना भूले उस चीज़ को, उस पार्ट को. वीडियो को मैं जितना हो सकेगा उतनी कम लेंथ के अंदर रखूँगा, यानी आपका जो टाइम है वो मेरी प्रायोरिटी है, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा. एंड मुझे तो देखो ये बहुत भारी लगती है, किसी और मेरे दोस्त से बाइक हिलती भी नहीं है. मुझे एक आदत हो गई है शायद इतनी ज़्यादा लोडेड बाइक चलाने की. बाकी एक फ्रेम के अंदर आपको बाइक कैसी लग रही है जस्ट लेट मी नो. दिस इज़ अ कम्प्लीट टूरर राइट नाउ एंड उसके ऊपर कुछ भी जुगाड़ नहीं हुआ है. एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली मेड, एवरीथिंग इज़ अ प्रॉपर फिट एंड यू कैन सी द लाइट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. दिस इज़ अ पॉश डिज़ाइन लाइट, दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव लाइट. बाइक पर इस समय धूल जमी हुई है, वॉश काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, मैंने जस्ट एक नॉर्मल कपड़ा मारा है. बाकी शुरू करते हैं अभी इसके कवर्स को उतार के, क्योंकि दिल्ली के अंदर चलाने इन चीज़ों पर, और चंडीगढ़ में तो मुझे लगता नहीं कि ये बाइक एग्जिस्ट भी करती होगी ऐसी, क्योंकि वहाँ पर जो मेरा बुरा हाल करेंगे ना
जितने का सामान इसका लगाया तेरे को तो चलान हो जाएगा मेरा। एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू वीडियो। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. The bike is completely ready over here and मैं इसके फर्स्ट मॉडिफिकेशन, मतलब मैंने इधर देखो, इधर ना कंप्लीट लिस्ट बना रखी है यहाँ पर प्राइस से लेके, ये सेम आपको ना कॉपी पेस्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और इस बाइक को लेकर यहाँ पर इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें करने को कि मैं थक जाऊँगा, पर इसका सामान और काम ख़त्म नहीं होगा। मैंने इस बाइक को स्टॉक रखा काफ़ी टाइम, इस बाइक को कंप्लीट एक बॉबर लुक भी दिया था, उसके बाद इसके वो मैंने एक टूरर भी बनाया, देन एक कंप्लीट एडवेंचर टूरर, मतलब एडवेंचर क्रूज़र भी कह सकते हो आप इसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो चलो शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट से, दैट इज़ द जेरी कैंस। जब आप मैं ट्रिप पर गया था, आपने देखा होगा जो इसके जेरी कैंस थे वो ब्लैक कलर के नहीं थे, वो रेड कलर के थे। अब मैंने इनको पेंट नहीं कराया, डोंट वरी एट ऑल, इनको पेंट नहीं कराया। इसको बाइक को सीधा कर देता हूँ, थोड़ा सा चाबी कर देता हूँ ऑन ताकि DRL चल जाए। तो ये साइड में आप देख रहे हो जो जेरी कैंस हैं, ये ब्लैक कलर के हैं इसके अंदर। अब ब्लैक कलर के वो कैसे हुए, जो रेड वाले थे ना उनको मैंने सेल आउट करके ब्लैक वाले मैंने एग्जिस्टेंस में ले लिए अपने। जेरी कैंस 5 लीटर ईच, बोथ साइड ऑफ द बाइक ऑन द लेग गार्ड। अब आप कहोगे कि ये लगे कैसे हुए हैं, इनकी तो फिलहाल एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है मेरे चैनल के ऊपर। मैंने एक कंप्लीट डेट शीट अपलोड करी थी कि कौन कौन से डेट को कैसे कैसे वीडियोज आएंगी, तो इंस्टॉलेशन इज कमिंग अहेड। These are 100% successful. Everything depends on your leg guard. आपका leg guard बहुत मजबूत होना चाहिए तब ये इसका वेट ले ले। ये अनसेफ नहीं है क्योंकि जब बाइक गिरती है, हमारी बाइक गिरी थी, जेरी कैन को कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप जेरी कैन हिमालयन में भी लगाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो रिस्क तो हर सिचुएशन के अंदर है। पर इस बाइक पर इसको कैसे लगाना है, साइड में देखो एक रॉड जा रही है, रॉड इज टाइटेंड ऑन द लेग गार्ड फ्रॉम 2 बोल्ट्स, 3-3 इंचेस के बोल्ट हैं, आर पार हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस हिसाब से लेग गार्ड के ऊपर ये जेरी कैंस फिट हो जाते हैं एंड इस बाइक को ना एक तगड़ी, एक बॉबर लुक देते हैं सामने से। पीछे से भी देखोगे तो फिर ये लेग गार्ड के एकदम पोजीशनिंग के अंदर है, देख रहे हो, तो बाइक को इससे ज़्यादा वाइड बिल्कुल भी नहीं करता है। और जो मेरा लेग गार्ड है 2 इंच रॉड वाला है, विच इज़ वेरी थिक, जो एक पतली रॉड होती है ना, मान लो इतना पतला हो जो लेग गार्ड होता है, ये इतना नहीं है, ये मोटा है, 2-2.5 इंचेस है। That's why this gives an idea कि बहुत ज़्यादा rugged look आ जाता है। और obviously जब हम लद्दाख जाते हैं तो फिर हम पीछे लद्दाख कैरियर के अंदर रखने से बढ़िया वी कीप द फ्यूल हियर एंड पीछे अपना ज़्यादा लोड नहीं होता, जिस वजह से हैंडल वॉबलिंग एकदम कम हो जाता है। सेकेंड कम्स आफ्टर ऑल द टायर्स। टायर्स के अंदर मैं हमेशा से सीएट ग्रिप एक्सेल की तरफ ही क्यों गया, क्योंकि मुझे हमेशा से कोई भी और टायर का रिव्यू अच्छा मिला ही नहीं। सीएट ग्रिप एक्सेल परफेक्ट टायर साइज बनाता है, आगे और पीछे दोनों टायर्स मेरे सीएट के हैं। इसके अंदर स्टॉक वाले थे, स्टॉक वाले घिसे नहीं थे, फिर भी मैंने चेंज कर दिया एंड मैं शुक्र मनाता हूँ कि ये टायर्स मैंने चेंज करे। चेंज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये आया कि वहाँ पर एकदम गंद टेरेंस के अंदर मेरी बाइक बिल्कुल भी स्किड नहीं करी। ब्लैक आइस हो, चाहे मड हो, चाहे वाटर हो, इस बाइक ने बड़ी प्यार से उस चीज़ को बाहर निकाला। तो टायर के लिए नो डाउट बहुत अच्छे टायर्स हैं, पर मैं अपोलो का जो R7 या फिर R5 एक और सीरीज आने वाली है, जो सेम BMW GS टाइप के टायर्स होते हैं वो आने वाले हैं, 7,000 रुपीज़ पर टायर पड़ेगा वो मुझे, लॉन्च होने दो उसके बाद बताते हैं। बाकी सीएट ग्रिप एक्सेल वॉज द सेकेंड मॉड फॉर दिस एडवेंचर टूरर। अगर आप जाना चाहते हैं एक लॉन्ग राइड पर, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों में बहुत अच्छी ग्रिप है यार इसकी, मतलब कॉर्नरिंग अगर आप देखोगे तो पूरी कॉर्नरिंग मैंने इससे करी है। बीच में से ऑलमोस्ट टायर खत्म होने लगा क्योंकि बड़ी गुड्डी के टायर्स जल्दी घिसते हैं, ये सच बात है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड थिंग इज कंप्लीट LED सेटअप। हियर आर द सिमटैक LED एंड हियर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जल रही है इस समय, और ब्रेक लाइट पर ये स्टार जलती है, तो इसके नीचे वाइट नंबर लाइट भी है, देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई सारी जो LED है, पीछे पूरी LED हो गई, सामने कंप्लीट LED हो गई। तो LED। अब इसके अंदर फॉग लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक सेट नीचे, दूसरा सेट ये रहा ऊपर एंड तीसरा सेट ये रहा मिनी ड्राइव, छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, और बीच में कंप्लीट LED हेडलाइट,
और मीटर के अंदर जितनी भी चीज़ें न्यूट्रल को छोड़ के सारी एलईडी है। और इसके अंदर भी देखोगे तो ये देखो, ये जो ग्रीन कलर के जल रहे, थोड़े ऑरेंज जलते थे पहले क्योंकि इसके अंदर हैलोजन था, अब ये ग्रीन जल रहे क्योंकि इसके अंदर वाइट एलईडी है T5 नंबर की। तो या एवरीथिंग इज एलईडी ऑफ या एवरीथिंग, मतलब कंप्लीट एलईडी सेटअप है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है एलईडी से, पहली बात। दूसरी बात, बैटरी पे इफेक्ट कम आता है। तो ओवरऑल एलईडी होने के बाद इट्स लाइक कि अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी राइडर। बाकी मैं एक काम करता हूँ, कॉस्ट साथ साथ बताता हूँ चलता, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो मैंने आपको फर्स्ट चीज़ बताई कि जो मेरे जेरी कैंस थे, जेरी कैंस मार्केट में ईजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 2 से 2500 रुपये का एक कैन होता है। तो 5000 का सेट आपको मिल जाएगा इंस्टॉलेशन के साथ, ऑलमोस्ट 5000 के आपको पड़ेंगे ये वाले कैन इंस्टॉलेशन के साथ। ये रॉड वगैरह, रॉड मैंने कस्टम फैब्रिकेट करवाई थी लद्दाख जाने से पहले। तो ये यश की बाइक में और मेरी बाइक में दोनों में सेम जेरी कैंस है, उसके रेड है, मेरे ब्लैक है फिलहाल के लिए। तो 5000 कॉस्ट इसका हो गया। और जो ग्रिप एक्सेल है, टायर की कॉस्ट अब बढ़ चुकी है, मैंने 4500 कुछ में लगवाए थे, तो ऑलमोस्ट 5000 इसका अप्रॉक्स मान के चल सकते हो। पुराने टायर्स की कोई कीमत नहीं होती, आपके पुराने टायर्स की कोई भी कीमत नहीं है। रेस्ट एलईडी जो सेटअप है, एलईडी सेटअप, सिमटैक के 4 बल्ब्स हो गए हैं जो होते हैं हमारे ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ के, हमारी 800 रुपीज़ की रेयर वाली। फ्रंट हेडलाइट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थार की हेडलाइट है, दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, आपने किसी भी बुलेट में लाइट लगी नहीं देखी होगी। दिस इज़ फॉर 7000 रुपीज़ पर हेडलाइट, तो 14000 टू 15000 का इसका सेट आता है फॉर थार। ये है हमारी मेगा ड्राइव, जिसको हम मर्सिडीज़ वाली बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मर्सिडीज़ टाइप जो इसका सिंबल बना हुआ है, ये आपकी 3500 टू 4000 रुपीज़ की है। एंड दीज आर द मेगा लेंस विच इज़ 5 LED। अब जो लेटेस्ट वाली आई है ना, उसके अंदर 7 LED आ गई, तो मेरा बड़ा मन है अपग्रेड करने का, पर कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। 7 के अंदर क्या है भाई, इतनी सारी लाइट लगा रखी है। तो ये वाली थी अपनी 4000, दिस वन इज़ फॉर अगेन 7000 रुपीज़, 7000 अ सेट। एंड जो हमारी मिनी ड्राइव है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, KTM हो गई, MT15 हो गई, बहुत सारे लोग इसको नीचे विंगलेट के पास लगाते हैं, तो दिस वन विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। ये बहुत अच्छी है, मतलब देखो एक बार, बहुत सेक्सी आउटपुट है यार इसका। अगर मैं ऑन करता हूँ ना, तो ये अगर एक बार मैं सारी ऑन करके दिखाऊँगा आपको, ये देखो ये आउटपुट बनता है इसका। रात को तो एकदम उजाला कर देती है। अगर मैं मिनी ड्राइव का दिखाऊं, तो मिनी ड्राइव को मैंने इसको डिपर पे कर रखा है, डिपर पे चलाता हूं, तो देखो डिपर पे ये काम करती है मिनी ड्राइव। और जो ये मेगा ड्राइव है मेरी, जो मेगा ड्राइव है, ये वाइट और येलो दोनों है, समझे, तो ये बहुत सही आउटपुट देती है मुझे रात को। तो मैं इसको ऐसा नहीं है लोगों को परेशान करने के लिए, पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लाइट्स चाहिए होती है। एंड अगर मैं बात करूँ कनेक्शंस की, कि आपकी भैया बैटरी पे लोड कैसे नहीं आता इतनी सारी लाइट्स लगाने के बाद, सो जो मेरी ये वाली लाइट है ना, अब देखो मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं दूसरी बार ऑन करूँगा, तो देखो ब्लिंक करने लगे, तीसरी बार में एक एक और सेकेंड वाली, फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकेंड वाली। अब इस केस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लगी हुई है हार्नेस, हार्नेस का जहाँ से पॉजिटिव पॉइंट है, जहाँ से करंट थ्रो करती है, उसी के अंदर मैंने इनको अटैच कर दिया है। तो वो हार्नेस के थ्रू ही सारी की सारी चल रही है, थ्रू रिले सारी चलती है, तो उसके अंदर मेरी बैटरी ड्रॉप होने की दिक्कत खत्म हो जाती है। मेरी बैटरी ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है, आराम से चल गई। अगर आप इतनी हैवी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो 2000 रुपये की बैटरी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर। तो ये है कि ऑलमोस्ट 20000 रुपये तक का हमारा जो हेडलाइट का सेटअप है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाती है अल्ट्रा कम्फर्ट लो सीट, और इसको हम कहते हैं बिग बॉस सीट। ये तो पीछे नेट लगा हुआ है। अब ये देखो, ये संजीव खजांची के यहाँ से बनी हुई है, खजांची से मैंने सीट्स बनवाई थी ऑलमोस्ट 5000 रुपीस की, विद रेड कस्टम स्टिचिंग। अब ये रेड स्टिचिंग जो पूरी आ रही है, विद बैकरेस्ट है, ये बैकरेस्ट भी मेरा थोड़ा सा चौड़ा कस्टम था, इसलिए 5000 रुपीज़ 2-6000 रुपीज़ आपको ये पड़ेंगी जाकर। बहुत अच्छी है, इसके अंदर स्प्रिंग नहीं है, पर जो आप चपक कर इससे बैठते हो, जो मेरी राइडिंग कैपेसिटी थी ना स्टॉक सीट पे, दैट वाज फॉर 50 किलोमीटर्स, और अब जाकर इस सीट के ऊपर मेरी राइडिंग कैपेसिटी हो चुकी है ऑलमोस्ट 100 to 120 किलोमीटर्स तक मैं बाइक खींच देता हूँ, फिर जाकर मेरे बम में दम दर्द होने लग जाता है। ये है हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देखो इसके अंदर आप नोजल्स देखोगे ना, तो थोड़ी सी वाइड नोजल्स आपको दिखेंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्पेशली लगवाया है TPMS। गाइज, इफ यू गाइज बिलीव मी और नॉट, इसके अंदर मैंने टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, जिसका मतलब होता है कि रियल टाइम में आप टायर प्रेशर अपने मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। ये देखो, इसके अंदर ट्रील की एक एप्लीकेशन आती है, ये देखो, ये रही स्मार्ट टायर नाम से, इसके अंदर मेरी नेक्सॉन और क्लासिक। ये देखो, क्लासिक पे मैं जाऊँगा ना,
देखो 4 मिनट्स अगो इसका टायर प्रेशर चेक हुआ है, आगे का 22 डिग्री है 31 और पीछे का है 36, मतलब पीछे टायर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये रियल टाइम है, अब इसको मैं कम करवाऊँगा। इसके अंदर ना काफ़ी मुश्किल से वो TPMS सेंसर लगे हैं, तो बस यही है दोस्तों। गाड़ी का तो अभी नहीं आएगा, ये गाड़ी पास में नहीं है। देखो 14 आवर्स अगो ये चेक किया गया था। क्लासिक का मैं एक बार दोबारा क्लिक करूँगा, टेम्परेचर आ जाए बस एक बार। अभी 5 मिनट्स अगो है ना, ये 1 मिनट में दोबारा रिफ्रेश होता है। तो TPMS इस बाइक के ने सक्सेसफुली काम कर गया है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप भी इसको लगाओ, इसको यूज़ करो, पर यही है कि भाई साहब थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ों में करना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, हार्ले स्टाइल बैकरेस्ट के ऊपर। ये वाला जो बैकरेस्ट है काफ़ी कंपैटिबल है हर टॉप बॉक्स, हर रैक वगैरह के साथ, क्योंकि काफ़ी पतली एंगल्स इससे जाते हैं। लोअर बैक सपोर्ट बहुत अच्छा देता है ये। तो बस इसका यही था, 700 to 1000 रुपीज़ है। हाँ, जो हमारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ट्रील की तरफ से, विच कम्स विद 1 ईयर, आई थिंक 5 ईयर्स वारंटी, 5 ईयर वारंटी के साथ ही आता है, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का पड़ता है हमें जाके। तो 3000 रुपये का TPMS है, 1000 रुपीज़ का बैकरेस्ट है। अब आ जाते हैं हम रेयर लेग गार्ड के ऊपर। जब इतनी भारी बाइक हमने बनाई दी है, इतनी सारी लोडिंग्स कर दी है, तो पीछे का लेग गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर पिलियन एज वेल एज़ फॉर मी। क्योंकि अगर बाइक गिरती है ना, तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ लगेज होते हैं, वो सबसे भारी होता है, वो सबसे पहले ज़मीन पर टिकता है। तो पीछे का लेग गार्ड लगाने से ये होता है बाइक उठानी आसान हो जाती है। तो पीछे का लेग गार्ड था, अच्छी क्वालिटी के अंदर था, मोटा, बाइक का वेट इसने ले लिया था। एक बार मेरी बाइक लद्दाख में साइड में ही जस्ट ऐसे छूटी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकी था, तो इन लेग गार्ड्स ने बड़ी आराम से बचा लिया था। देखो यहाँ पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं अभी भी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था इसको लगाकर, मतलब काफ़ी वाइड लुक भी आ गई, आपके पिलियन के लिए भी काफ़ी सेफ्टी हो गई, एंड या दिस मेक्स द बाइक मोर ब्रॉड एंड मोर काइंड ऑफ एस्थेटिक लुक्स बढ़ा देता है ये इस चीज़ की। बाकी मैं आ जाता हूँ सैडल स्टे एंड टॉप रैक। जो हमारा रेयर लेग गार्ड था, रेयर लेग गार्ड की कॉस्ट मेरे को 1000 रुपये कुछ पड़ी थी, 1000 से 1200 रुपये। टॉप रैक है ना, वो एक जेनेरिक टॉप रैक है, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा टॉप बॉक्स नहीं लगाना था। आपने देखा होगा इससे पहले मैंने टॉप बॉक्स लगाया था, दैट वॉज एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स ऑन जामा इंटरनेश्नल रैक। वो मैंने प्रमोट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं श्योर नहीं था, एंड आई थैंक गॉड कि मैंने वो चीज़ प्रमोट नहीं करी। गाइज वो रैक ना बीच रस्ते पर टूट गई थी, एंड उसके चलते मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ ही हुआ। दूसरी बात, उसकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगा। जाना ने बहुत अच्छा धोखा दिया है मुझे, अगर मैं उस चीज़ को प्रमोट करता। ये एक नॉर्मल रैक है, ये देखो यहाँ से होती हुई आ रही है, इधर जा रही है, एंड 1 लीटर का इसके ऊपर, इसके ऊपर 10 to 15 लीटर्स का टॉप बॉक्स लगा हुआ है, 10 लीटर का टॉप बॉक्स लगा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है। जो ये सैडल स्टे है, ये मैंने जेन्युइन कंपनी से लिए हैं। जेन्युइन मतलब ये दिस इज़ रॉयल इनफील्ड एक्सक्लूसिव पार्ट्स, फिटिंग बहुत अच्छी है इनकी। क्योंकि इसके ऊपर मेरे को डर्ट सैक का बैग लगाना था, तो 1800 का हमारा ये आया था और 1000 to 1500 का मेरा ये पीछे की रैक आ गई थी। तो इसके चलते इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट इतनी ही पड़ी थी मुझे। बाकी मैं बात करता हूँ इसके लगेजेस की। मैं लद्दाख गया था ना, लद्दाख के अंदर मैं इस बाइक को इतना ज़्यादा लोड करके गया था कि ऊपर एक बैग था, साइड में बैग्स थे, पीछे टॉप बॉक्स था, आगे टैंक बैग था, एंड इधर भी मेरे छोटे छोटे बैग्स थे जहाँ पर मेरा एयर कंप्रेसर एंड टूल्स वगैरह थे। तो उसके चलते वो सारे बैग्स भी मेरे कम से कम 14-15 हज़ार रुपये तक के आए थे, जिसके अंदर मैंने दो जो साइड के राइनॉक्स वाले थे वो तो मैंने सेल आउट कर दिए थे, एक ज़रूरत वाला राइडर था उनको कर दिए थे, क्योंकि अब मुझे ये सैडल स्टे लगाकर ये वाले बैग्स लगाए थे डर्ट सैक के। तो डर्ट सैक मिलाकर मेरे 14,000 तक की परचेज थी इसकी, क्योंकि डर्ट सैक आए थे मेरे 4,000 के, राइनॉक्स आए थे 5,000 के, जो टॉप डफल बैग था वो भी 5,000 का था। तो ऐसे करते करते हो गए थे। फिर मैंने लास्ट में क्या किया कि छोटा टॉप बॉक्स नीड थी कि डेली राइडिंग के अंदर भी काम आता है, तो इसको मैंने लिया था फॉर ऑलमोस्ट 800 to 900 रुपीज़ फ्रॉम स्टड्स इटसेल्फ। स्टड्स का था ये, बढ़िया है, अच्छी कैपेसिटी अंदर, और ये पड़ा था मुझे 800 रुपीज़ का। बाकी मेरा एक लॉस इसके अंदर ज़रूर हुआ था, पर मैं इसका कॉस्ट ऐड अप कर देता हूँ इस मॉडिफिकेशन के अंदर। दैट वाज जान इंटरनेशनल की रैक, ऑलमोस्ट 3000 की थी, टॉप बॉक्स था 20,000 का उस टाइम पे जब मैंने लिया था, तब टॉप बॉक्स का ट्रेंड आया तक नहीं था, ओनली BMW GS ओनर्स 2 साल पहले तक उसे लगाते थे। अब तो हर कॉमन, हर एरी कैरी नत्थू कैरी दुकान पर वो अवेलेबल है, सारा का सारा चाइना से इम्पोर्ट होता है। खैर मैंने बैंगलोर से वो कस्टम बनवाया था। बाकी अब बात करते हैं हम अपने वाइड हैंडल बार की। अगर आप क्लासिक का हैंडल बार देखोगे तो क्लासिक का हैंडल बार उसके ना लेग गार्ड से अंदर आता है, पर देखो लेग गार्ड से कम 3-4 इंच बाहर है। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि ये कौन सा हैंडल बार है, दिस इज द RD हैंडल बार।
आरडी हैंडल बार मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा ब्रॉड है। ये कस्टम भी आते हैं, ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल की तरफ से भी आते हैं। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का ऑलमोस्ट 2000 रुपये का पड़ता है। अगर आप कस्टम बनवाते हो अपने यहाँ से लोकल फिटिंग के यहाँ से तो 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बढ़ता जाता है। दिस स्पेसिफिक वन इज़ आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल हैंडल बार फॉर 2000 रुपीज़। एंड इसी का जो डुप्लीकेट कॉपी है वो ऑलमोस्ट आपको मार्केट में 1000 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। तो क्वालिटी एकदम सेम रहती है, हैंडल बार टूटता नहीं है जो अच्छी गेज का होता है। तो या दिस इज़ द हैंडल बार, काफ़ी ब्रॉड है, बहुत अच्छा सेटिंग पोस्टर मिलता है भाई साहब, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि कमर एकदम सीधी रहती है, कमर में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। एंड इस आटो मोटरसाइकिल के अंदर होल्स वगैरह सब बने हुए आते हैं तो आपको होल्स भी कराने की ज़रूरत नहीं है, इट गोज़ फ्लॉलेस। देखो राइडिंग पोस्टर बहुत अच्छा आता है इससे। अभी मैं बात करता हूँ अब सामने से जो गेम चेंजर है दोबारा, विच इज़ द विंडशील्ड एंड द विंडशील्ड एक्सटेंडर। अगर इस बाइक की कंप्लीट लुक की बात करें तो ये विंडशील्ड की वजह से ही आ रही है। तो विंडशील्ड देखोगे, क्लैम्प्स देखोगे, कस्टम है, देखो बेंड्स देखो कितने अच्छे हैं यहाँ पर। जो ये विंडशील्ड है पूरी रैप्ड है, यहाँ पर ऊपर तक जा रही है, स्मोक्ड विंडशील्ड। इसके ऊपर एक्सटेंडर भी है, वाह भाई साहब। एक्सटेंडर तो छोड़ो, इसके आगे सैडल वो भी है, GPS माउंट भी है। GPS माउंट तो छोड़ो, GPS माउंट के ऊपर एक बैग भी है, मतलब स्टोरेज की स्टोरेज, GPS माउंट का GPS माउंट, एक वायरलेस मोबाइल चार्जर, ये देखो वायरलेस टाइप सी, मतलब टाइप सी चार्जिंग भी है और वायरलेस भी है। फ़ोन लगाऊंगा तो वायरलेस ही चार्ज होगा। दिखाऊं एक बार आपको लाइव एग्जांपल, चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल एक बार दिखाई देता हूँ। ये देखो ये मेरा आईफोन है, इसको मैंने लगाया है यहाँ पे, अब देखना आया यहाँ पे चार्जिंग का, देखो 88% चार्ज्ड। और ऊपर देखो चार्जिंग का लोगो आ रहा है ना, बढ़िया। दिस इज़ व्हाट वायरलेस चार्जिंग मीन्स। बाइक पर जा रहे हो, वायरलेस चार्जिंग बहुत एसेंशियल है अगर आपके पास सपोर्टिंग फ़ोन्स है तो, क्योंकि मेरे दोनों फ़ोन्स S22 और iPhone 14 दोनों सपोर्ट करते हैं वायरलेस चार्जिंग। तो मैंने ये स्विच मार दिया सीधा कि नेविगेशन में कभी भी मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े जो प्रॉब्लम्स दे। बाकी मैं बात करूँ इसकी फ़िटिंग्स की, फ़िटिंग्स वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफरेंट, पर मैंने इसको जैसे जैसे फिट कर लिया है लद्दाख मार के आई है, दिस इज़ 100% सक्सेसफुल ब्रो। और इसके ऊपर यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने टूल्स रखे, टूल्स मैंने इसके अंदर से निकाल दिए। तो यहाँ पे टूल्स रखने के बाद एवरीथिंग वेंट वेरी वेल एंड एवरीथिंग सॉर्टेड वेरी वेल ऑन दिस। टॉक अबाउट द विंडशील्ड सेटअप, द विंडशील्ड सेटअप कॉस्टेड मी समथिंग अराउंड 6000 रुपीज़, क्योंकि हिमालयन की ओरिजिनल विंडशील्ड है ये। दिस वॉज समथिंग अराउंड 2000 रुपीज़, और ये बैक 500, दिस GPS माउंट 1000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 6000 रुपये तक का सेटअप था। एंड इसके कस्टम क्लैंप्स भी मैंने ऑक्स टच से मंगवाए थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो महंगी पड़ी मुझे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, ये मास क्वांटिटी में नहीं बनती है, ये ऑन ऑर्डर ही बनती है ये सारी चीज़। आगे मैं बात करता हूँ वायरलेस चार्जिंग मोबाइल होल्डर। इससे पहले मैंने देखा कि चार्जर मैंने लगाकर दिखाया, दिस इज फ्रॉम सिमटैक इटसेल्फ, 2 साल की इसकी वारंटी आती है। दिस कॉस्टेड मी 3000 रुपीज़, डायरेक्ट फिट है। जो इसकी वायर है वो नॉर्मल आप अपने इग्निशन वगैरह के अंदर आप प्लग कर सकते हो, मोबाइल्स पर लगेगा। अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा ना, 83% लिखा आ रहा है। अब मैंने इसको यहाँ लगाया, टाइट करने की देर होती है बस। अरे देखो, और सॉरी ऑन करना भूल गया, ये देखो ऑन किया, अब देखना 3, 2, 1 अब आएगा यहाँ पर, आया ना। अब देखो यहाँ पर चार्जिंग का लोगो भी आ जाएगा, अब 87 और मोजो याद। अब देखो ये लोगो है यहाँ पे, अब देखो अब चला गया यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये वायरलेस चार्ज करता है बढ़िया, 20 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग है, एंड इट्स इज़ वेरी वेरी फाकी पावर स्टेशन है। जब हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं ऑब्वियसली वी नीड पावर, वी नीड टू चार्ज आर गैजेट्स एंड एवरीथिंग। तो ये मैंने डॉकेट स्टेशन लगाया है यहाँ पर, यू कैन सी। अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर बाइक की करंट वोल्टेज दिखाएगा ये देखो ऑन किया तो अभी तो ब्लिंक कर रहा है, दिस इज़ 12.6, ये देखो एक सेकेंड, या बेबी लाइक दिस समवेयर अराउंड 12.5। तो इसके चलते यहाँ पर मेरे को वोल्टेज दिखाया था 12.5 की बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही, और यहाँ पर लग जाता है हमारा सिगरेट लाइटर चार्जर, ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। इससे मैंने अपना एयर इन्फ्लेटर चलाया था जब हमारा टायर यश का टायर लद्दाख में पंचर हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, कीमत 1000 रुपये, मस्ट बाय फॉर एवरी हैंड गार्ड्स एंड बाग बस्टर्स। अब आप देख रहे हो हैंड गार्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ से घिसा हुआ है, ये तब घिसा हुआ है जब गिरी गई नहीं थी बाइक, जब मैं पार्क करता हूँ ना तो ये टच हो जाते हैं कभी कभी। तो ये जो बाग बस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एंड एट द वेरी सेम टाइम दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग योर हैंड्स. एंड ठंडी हवा ना बहुत ज़्यादा देर में लगती है आकर. बागबस्टर्स है ना ठंड से बहुत ज़्यादा बचाते हैं. सेकेंडली काफ़ी बोल्ड एंड रगेड लुक दे देते हैं बाइक को. इनको मैंने कभी क्लासिक पे नहीं लगाया था पर एक आरडी हैंडल बार के साथ इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसको यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होता है. नहीं तो आप इसको यहाँ सपोर्ट दोगे तो फिर ये ऐसे लीन करते हुए नीचे जाएंगे, देख रहे हो. तो हैंडल की वजह से बागबस्टर्स है, हैंडल की वजह से कम्फर्ट है. तो हैंडल काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन और आसान कर देता है. एंड इसी के ऊपर मैंने मिनी ड्राइव भी कस रखी है. तो या कई सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. बाकी मैं बात करता हूँ बैटरी नंबर बोर्ड. ये एक और ओरिजिनल एक्सेसरी है जो मैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से ली थी आफ्टर द सैडल स्टे बैटरी नंबर बोर्ड. लुक्स के लिए बहुत अच्छा है पर बैटरी इसके अंदर से कोई भी आपकी आराम से चुरा सकता है. यहाँ से ढक्कन खोलेगा, ये ढक्कन बाहर, बैटरी आपकी गई. तो लुक्स के लिए 10/10 स्पेस फिलअप कर देता है और काफ़ी अच्छी प्रिसिजन फिट है, लॉक भी अच्छे से हो जाता है. बट ये है कि बहुत ज़्यादा ना आई थिंक अगर बाइक ओपन में खड़ी होती तो हाईली नॉट रिकमेंडेड. 1800 रुपीज़ का था. आई वॉन्टेड दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई हैव ऑर्डर्ड दिस क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, क्योंकि ये बाइक तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू हो गई तो इसके पार्ट्स भी ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू हो चुके हैं. तो बस इसी के चलते ये मैंने ले लिया है अभी. बाकी बहुत अच्छी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी. ऑयल फिलर कैप भी मैंने इसका लिया था, नट कवर्स भी इसके लिए थे. ऑयल फिलर कैप देखो, दिस इज़ फ्रॉम रॉयल इनफील्ड, आरी वाला लोगो है ब्लैक कलर का. दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 900 रुपीज़. ये देखो इसके अंदर नट कवर्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, पर ये इतने ज़्यादा चले नहीं अच्छे से क्योंकि इनका स्टॉक कभी आया ही नहीं बाद में. तो स्टॉक नहीं आया तो फिर इसको मैंने अपने स्टोर पर भी प्रमोट नहीं किया था. स्टॉक एक बार आ जाए तो फिर ये आपको मेरे स्टोर पर दिख जाएंगे. बाकी ये जो आप देख रहे हो ये स्टिकरिंग है क्योंकि इसके अंदर NGK के स्पार्क प्लग्स भी हैं, वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा. रेस्ट कमिंग ऑन टू द कैटलिटिक कन्वर्टर हीट शील्ड. ये जो हीट शील्ड थी ना पहले BS4 की आती थी, मतलब स्ट्रेट होती थी, अब ये BS6 की है. ये देखो कर्व है यहाँ पर. मेरा जो साइलेंसर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा रस्ट होना शुरू हो गया था, उसका पेंट फेड हो गया था आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम लद्दाख. सो आई डिसाइडेड टू कवर इट अप. अब इसको बारिश में चलाऊंगा ना तो फिर ये देखो जो यहाँ पे क्लिप से टाइट हो रखा है इनके ऊपर तो रस्ट लग जाएगा और ये मेरा पूरा साइलेंसर खा जाएंगे. मुझे 100% पता है ये एक रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, इसके ऊपर रस्ट बहुत जल्दी आता है. तो या इसलिए मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूँगा. बट या मुझे ये चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा ना थिक वो दे रहा था मेरे को, एक थोड़ा स्टांस अच्छा दे रहा था. द फ्रंट इंजन गार्ड. द इंजन गार्ड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. ये देखो सामने जो लगा हुआ है जिस पे क्लासिक लिखा हुआ है. अब इसके नीचे आप एक और देखोगे, इसके नीचे एक और बैश प्लेट है विच इज़ फ्रॉम ऑक्सटस्क. अब ये बैश प्लेट मैंने क्यों लगाई थी, अब इसी को देख लो कि ये देखो ये एक बेंड है जहाँ पर मेरा पत्थर इंजन टकरा सकता था, पर इस बैश प्लेट ने वो झटका लेकर मुझे बचा लिया. 2500 की बैश प्लेट थी, 500 का ऊपर से जो फ्रंट इंजन गार्ड था वो था. तो इसको मिला के द कॉस्ट केम अराउंड 3000 टू प्रोटेक्ट माई इंजन फ्रॉम बिलो. तो ये आप हर बाइक में लगा सकते हो. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी. एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑफ रोड देन अ बैश प्लेट इज़ मस्ट फॉर योर इंजन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल द रॉक्स एंड ग्रेवल्स एवरीथिंग. हिमालयन साइड स्टैंड एंड साइड स्टैंड एक्सटेंडर डैम ब्रो. ये देखो एक सरप्राइज़ आपके लिए ये वेट कर रहा था क्योंकि जब हम क्लासिक पे इतनी ज़्यादा लोडिंग्स करते थे बाइक ऑब्वियसली हो जाती है हैवी. एंड क्लासिक का जो साइड स्टैंड है ना वो आते इतना सा यहाँ तक का, देख रहे हो इतना यहाँ तक आगे साइड स्टैंड हो जाता है ख़त्म. अब उसके लिए क्या होता है जब बाइक इतना ज़्यादा हो ही जाती है तो फिर जब साइड स्टैंड मारते हैं ना तो ये देखो ये आ रहा आगे तक. क्यों आ रहा आगे तक, क्योंकि हिमालयन का ही क्लासिक का नहीं है. अब मैं उतारता हूँ बाइक को स्टैंड से, बाइक को स्टैंड से उतार दिया. अब देखो बाइक इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है, इतनी भारी बाइक होने के बाद भी मैंने इसको सिर्फ एक उंगली से, ये देख लो, ये देखो अब मैंने सिर्फ अंगूठे से पकड़ रखा है, इतनी ज़्यादा मैंने इसको प्रेसिजन से बनाया. अब जब मैं इसका साइड स्टैंड लगाता हूँ और टिका देता हूँ तो बाइक ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट खड़ी होती है. मुझे इसको दिक्कत आती है और इसके ऊपर मैंने एक जुगाड़ भी किया यहाँ पर. चलो मैंने जुगाड़ किया एक, ये देखो बाइक ऐसे खड़ी हुई है साइड स्टैंड पर. तो एक क्या होता है कि बाइक जितनी ज़्यादा झुकती है ना उतना इसकी इस प्लेट पे फ़र्क आता है, ये प्लेट इसकी मुड़ने लग जाती है. पर ये साइड स्टैंड लगाने के बाद मुझे लगा था यार ये फेल हो जाएगा क्योंकि ये आगे जा रहा है. ये देख रहे हो अब ये साइड स्टैंड होता है ऐसे, ये जा रहा है आगे. अब मुझे लगा था आगे जाते जाते ये टूट जाएगा, पर पूरा लद्दाख इतनी ज़्यादा लोडेड बाइक और मेरे वेट के साथ भी इसने ना टूटा ना मुड़ा. और इसके अंदर एक्सटेंडर भी लगा हुआ था ताकि ये मिट्टी मिट्टी पर ढसे भी ना. तो ये स्टैंड लगाने के बाद भाई मैं तो धन्य हो गया था. लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता था, तो जो एक्सटेंडर का जो साइड स्टैंड का हमारा वो आती है ना वार्निंग मतलब जो इसका बाइक स्टार्ट नहीं होती, इमोबिलाइजर होता है इसके अंदर कि अगर साइड स्टैंड एंगेज है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, वो तार मुझे निकालनी पड़ी.
देखो ये एक सेफ्टी फीचर मैंने इसके अंदर से लेस किया था क्योंकि मेरे को स्टैंड के साथ थोड़ा सा करना था यार, क्योंकि बाइक ज़्यादा झुकती थी ना तो और ज़्यादा वेट हो जाता है, मतलब जितनी बाइक सीधी रहेगी उतना कम वेट लगेगा और जितनी बाइक झुक जाएगी ना उतना साइड स्टैंड पे भी वेट आता है, तो ये हल्का सा झुकाती है पर इट डज द जॉब बहुत अच्छा है। मतलब साइड स्टैंड ऑलमोस्ट पड़ा था मुझे 800 रुपीज़ का जेन्युइन एंड 500 टू 600 का एक्सटेंडर आ गया था इसका। बाकी अब बात करते हैं मिनट विल लीगल एग्जॉस्ट, ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हो दिस इज़ नॉट द स्टॉक वन, इसके ऊपर कंप्लीट कार्बन फाइबर है, उस पर बाद में आएंगे, पर ये जो एग्जॉस्ट है ये एक्रोपॉविक भी नहीं है, दिस इज मोटर स्टोर इंडियाज लीगल एग्जॉस्ट। इसकी आवाज़ अच्छी है, साथ करके दिखाता हूँ एक बार आपको। कंप्लीट फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है सिरेमिक पूल के साथ है, और वैसे हमने नेक्स्ट उसके ऊपर विच इज़ लिक्वी मोली सर्विस एंड सिरेमिक ब्रेक पैड्स, जो एग्जॉस्ट की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 3000 रुपये है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लिक्वी मोली की सर्विस, इस बाइक को मैंने कंपनी से सर्विस कराना ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था क्योंकि जो कंपनी का ऑयल था ना वो मुझे माइलेज के अंदर इशू दे रहा था थोड़ा सा, और परफॉर्मेंस के अंदर जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ मुझे ये पसंद है कि मैं बहुत रफ चलाता हूँ, मेरी हाई RPM क्रॉस होती है, तो आई स्विच्ड टू लिक्वी मोली। LRL मोटर से मैंने लिक्वी मोली परचेज़ किया एंड दैट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज़ फॉर अ सर्विस किट ओनली, जिसके अंदर 3 लीटर ऑयल, इसके इंजन एडिटिव, शूटर, फ्लश जो ऑयल एडिटिव होता है वो सारी चीज़ें आई थी, एंड आई वॉज वेल सेटिस्फाइड क्योंकि वो ऑयल डलवा के मैं लद्दाख गया था एंड लद्दाख के अंदर इस बाइक ने मेरे को 40 और 35 से कम तो एवरेज दी नहीं है, फुल लोडेड खड़ी चढ़ाई 35 की एवरेज, इससे ऊपर क्या चाहिए तुम्हें बुलेट के अंदर बताओ। और रीबॉर्न के अंदर भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। लिक्वी मोली का जो ग्रेड है वो मैंने 10W50 लिया था क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है 50 डिग्रीज, जो इसकी 10W50 विस्कोसिटी होती है वो मेंटेन करके चलेगा इसको, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बॉट दैट स्पेसिफिक ऑयल। ब्रेक्स के बारे में, जब मैं मसूरी गया था स्टॉक ब्रेक पैड्स के ऊपर तो ब्रेक पैड्स ना हार्ड हो गए थे, पहाड़ नीचे उतरते थे क्योंकि आप ब्रेक ज़्यादा मारते हो एंड एक्सेलरेट ऑब्वियसली करते हो कम, इंजन ब्रेकिंग एक टाइम तो काम करते हैं पर आपको एट लास्ट रिलायबल होना है अपने ब्रेक पैड्स के ऊपर, तो सिरेमिक ब्रेक पैड्स मेरे दिमाग में एकदम से आए कि वाई नॉट गो फॉर द सिरेमिक वंस, तो इसके अंदर सिरेमिक ब्रेक पैड्स मैंने डलवाए बिलाल के पास जाकर, एंड ऑयल भी उसी ने ही सारा चेंज कराया था इसका लिक्विड मोली एंड ऑल। सिरेमिक ब्रेक पैड से फ़र्क ये पड़ा कि ब्रेक टक से लगती है, मतलब स्टॉक और सिरेमिक में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, रेट का ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। स्टॉक ब्रेक्स आती है 250 रुपये का सेट, उसका आता है 1,000 रुपये का सेट, 2,000 रुपये के ब्रेक्स और 7,000 ऑलमोस्ट टोटल मेरे को पड़ जाता है एक सर्विस कॉस्ट। ब्रेक पैड्स जो है सिरेमिक वाले, उसका फ़ायदा ये था कि उसकी लाइफ ना ट्रिपल होती है, मतलब अच्छी ब्रेकिंग और ट्रिपल लाइफ, मतलब जहाँ पर आपके 3 सेट्स उसके बदलेंगे इसका बदलेगा 1 सेट, घिसेंगे कम, हीट कम होंगे, ठंडे जल्दी होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके बेनिफिट्स होते हैं सिरेमिक ब्रेक पैड्स के, क्योंकि उसका लेदर होता है ना, उसका लेदर एरिया भी ज़्यादा बड़ा। अब जाते हैं हमारी छोटी छोटी एक्सेसरीज के ऊपर, जैसे साइड रिफ्लेक्टर्स, अभी जैसे मीटियोर 650 आई उसके शॉकर के ऊपर रिफ्लेक्टर था, तो आई थॉट कि यार वाई नॉट पुट दिस, इसको मैंने लगा लिया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे इसका निकल के, और एक तो अपना स्टॉक रिफ्लेक्टर यहाँ पे होता ही है, तो 1, 2, 3, 4, और जो एक और रिफ्लेक्टर है जो हमारे बाइक के ऊपर है विच इज़ दिस वन, दिस इज़ द स्विंग आर्म रिफ्लेक्टर, यहाँ पर स्विंग आर्म की आपकी ब्लैक कैप्स आती हैं, पर स्विंग आर्म रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जब आप हाईवे क्रूजिंग कर रहे हो तो साइड में से कोई लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे रेड कलर के, ये देखो यहाँ पर भी है, तो इनकी कॉस्ट भी 600 रुपीज़ को जाते हैं, 100 रुपीज़ पर रिफ्लेक्टर है बस। सेकेंडली आ जाते हैं हमारा रेयर तान, जब मैंने पीछे के ये सैडल स्टे नहीं लगाए थे तो पीछे देखो यहाँ कर मेरी जाली नहीं है, ये जो इसको बोलते हैं ना जो ये चीज़ होती है हमारी स्टॉक, ये चीज़ इसको हम बोलते हैं तान, तो ये दोनों साइड के मैंने चेंज कर दिए थे, जहाँ पर ये लेडीज़ फुटरेस्ट हट जाते हैं जिससे बाइक की एक काफ़ी अच्छी लुक आती है अगर आप बॉबर बनाना चाह रहे हो उसको, तो वो भी मेरे को 1500 रुपीज़ पड़ी थी। सेकेंडली चलते हैं कंप्लीट कार्बन फाइबर, अब ये देखो इधर कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर, इधर कार्बन फाइबर, ये इधर कार्बन फाइबर, और ढूंढो ढूंढो, ये हैंडल पे कार्बन फाइबर, दिस कार्बन फाइबर, शॉकर्स कार्बन फाइबर, जेरिकैंस कार्बन फाइबर, एंड सेम हियर, आई थिंक दैट्स इनफ, बस इतने ही कार्बन फाइबर चीज़ें थी। जो ये रैप है दिस इज 5D एंड द नॉर्मल 3D कार्बन फाइबर, दिस कॉस्टेड में समवेयर अराउंड 2,000 रुपीज़, और इस बाइक के ऊपर PPF भी हो रखी है, देखो प्यार से, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको पन्नी दिखेगी, देख रहे हो
PPF और कार्बन फाइबर मिलाकर ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट खर्चा मेरा निकल कर आया था 3,000 रुपये के करीब। तो 1500 की PPF, 1500 का कार्बन फाइबर मटेरियल, विच लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रोमिनेंट। मतलब एक मैट बाइक के ऊपर ग्लॉस कार्बन फाइबर डिप्स लुक्स वेरी गुड। बाकी आपको इनमें से किसी भी चीज़ की डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना कि आपको क्या क्या चाहिए, उस चीज़ की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाकर 100% पोस्ट कर दूंगा। इसी हैंडल क्लॉक के बारे में, देखो ब्रास की आइटम है, काफ़ी अच्छी है, प्लग एंड प्ले है, यहाँ पर फिट हो जाती है सीधा। और अगर मैं इसकी बात करूँ कितने की है, तो 1000 रुपये की है, बहुत अच्छी है, प्रेसिजन फिट है ये। और सिर्फ ये सिर्फ इसी मॉडल के लिए है, ये किसी और रिबॉन या फिर मीटियो टाइप के लिए नहीं है, ये इसी मॉडल के लिए है बस। BS3 2009 से लेकर अब तक जितने जिनके अंदर डिस्क ब्रेक है फ्रंट, ये ऑयल टैंक है ना हमारा डिस्क ब्रेक का, तो इसके ऊपर ये लग जाती है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर। मतलब विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसके, यहाँ बैठकर आराम से टाइम देख सकते हो आप। और मेरे को काफ़ी काम आई थी लद्दाख के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैपिंग बहुत अच्छी करनी है। 700 रुपीज़ का डिकैथलॉन से लिया था मैंने। बॉटल होल्डर तो 200 रुपये का है, पर ये जो क्लैंप है ये 500 रुपये का है, इसका जो वर्टिकल क्लैंप होता है रोटेटेबल है 360। तो ये चीज़ यहाँ पर कॉफ़ी मग रख देता हूँ अपना, बड़ा अच्छा लगता है। हॉट वाटर बॉटल होती है 300 ml की, डिकैथलॉन से ली थी, वो यहाँ पर रख दो भाई साहब। मतलब टूरिंग पे जाओगे कहीं रुकोगे ना, गर्म पानी पियो आराम से। द बजाज मिरर्स, ये बजाज वाले मिरर्स हैं देखो, ओए होए होए। और ये इसके ऊपर ये लगा रखे हैं मिरर्स की कॉस्ट थी 700 रुपीज़ है ऑन MRP, बस शिपिंग मेरे को ज़्यादा देनी पड़ती है इनके लिए कभी कभी। बाकी इसके अंदर GPS ट्रैकर भी लगा हुआ है, अब वो पूरी बॉडी में कहाँ लगा हो सकता है ये एक चोर भी नहीं बता सकता कि वो मैंने ट्रैकर कहाँ लगा रखा है, एंड वो ढूंढ भी नहीं सकता, पूरी बाइक उधेड़ देगा फिर भी उसको GPS ट्रैकर नहीं मिलेगा। वो मैंने 1 lakh का लगाया हुआ है, 6000 रुपीज़ का आया था, वही सेम निकाल के मैं अपनी कार में भी लगाया था जब जा रहा होता हूँ कहीं। तो या एक ही काफ़ी है वैसे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरी अभी तक जितनी हमारी कॉस्ट निकल के आई है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आई नो इट्स वेरी वेरी मैसिव, पर इसके ऊपर मैं एक और एडिशन करना चाहता हूँ, विच इज़ द राइडिंग गेयर्स दैट कॉस्टेड मी 40,000 रुपीज़। राइनोक्स के जो स्टॉर्म ईवो 3 है, उसके ग्लव्स हो गए, जैकेट्स हो गए, 15,000 की जैकेट है, 10,000 की पैंट्स है, 5,000 की ग्लव्स है, उसके ऊपर इनर वेयर, उसके ऊपर रेन कोट्स, ये वो हर चीज़ 40-50,000 रुपये तक जाता है। एंड GoPro एंड Insta360, GoPro हीरो 11 है जो हेलमेट पर लगा हुआ है, Insta360 1x3 है 40,000 का, तो उसके ऊपर जो माइक है, उसके लेंसेज हैं, हर चीज़ मिला के 1 lakh rupees और ऐड कर दो। अब इसके ऊपर मान लो अनलिमिटेड फ्यूल, तो ये है टोटल कॉस्ट जो हमारा एवरेज निकल के आता है ना, वो आता है 2,72,500 रुपये, कंप्लीट टूरिंग सेटअप ओवरव्यू। मतलब अगर आपको ऐसी बाइक बनानी है सीरियसली, अगर आप ऐसी बिल्ड बनाना चाहते हो, तो मैंने ऑलमोस्ट 2,72,000 रुपये इंक्लूडिंग गेयर्स कैमराज एंड एवरीथिंग, जो मैक्स MRP हो सकता है ना, मैक्सिमम 2,72,000, मतलब 3 lakh rupees इस बाइक में लग चुके हैं एडिशनल, 5 lakh rupees की ये बाइक है। ये मत सोचना कि मैंने दिखावे के लिए किया कुछ किया है, जो बाइक का प्यार होता है ना दोस्तों, बाइक का प्यार इतना इमेंस होता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो ये होती है आपके साथ। तो इसको बहुत ध्यान से रखो, बहुत पैम्पर करो, एंड दिस वॉज माई फादर्स गिफ्ट टू मी। मुझे पता है उन्होंने किस इमोशन से, कितनी मेहनत से मुझे बाइक दिलाई थी, और आई नो आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच फॉर द बाइक, आई विल टेक केयर ऑफ दिस बीस्ट ऑब्वियसली, बिकॉज आई लव यू एंड दिस बाइक। And how did you like this bike? Just let me know in the comment section below. और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। एंड सेकेंड थिंग कि दोस्तों, ऑब्वियसली द सेकेंड थिंग दोस्तों कि इस बाइक को बनाने में बहुत ज़्यादा पैशन, जुनून और पैसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए, जो मुझे पसंद है वो मैं करके रहूँगा। एंड ऑब्वियसली या इफ यू लाइक दिस बाइक जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जस्ट टेक लीव एंड वी ऑब्वियसली गो अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट टाइम बी यू, क्रिएट यू, मिलते अगले संडे, एंड या बी क्रिएटिंग, बी क्रिएटिव एंड लिव लाइफ थिंग्स आइज ब्रो। Life has been a rapa rangina chopper shik